हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं क्या करूं मां, मैं क्या करूं? अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दो। मैं जानता हूं कि मैं पिता होकर भी पिता का कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं। वो मुझसे ममता की अपेक्षा करती है और मैं उस पर क्रोध करता हूं। मुझे उसका जन्मदिन मनाना चाहिए था, लेकिन उसने मेरा जन्मदिन मनाया। मुझे खुशियां देने के लिए वो हर कोशिश करती है और मैं उसे खुशियां देने से डरता हूं। मैं क्या करूं मां, मैं क्या करूं? अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दो। बाबा, आप मेरी बेटी को जानते हैं। मैं तुम्हें भी जानता हूं बच्चे, परंतु इससे पहले हम तो कभी मिले ही नहीं। परमात्मा से कभी कोई मिलता है बच्चे? फिर भी परमात्मा सबको जानता है, पहचानता है। तुम कायर हो, इसलिए अपनी बेटी को सुख देने से डरते हो। तुम तो बार बार माता सप्तश्रृंगी के सामने हाथ फैलाते हो कि मां तुम्हारी झोली मन शांति से भर दे, लेकिन तुम्हारी बेटी क्या चाहती है बच्चे? वो भी तुम्हारे सामने बार बार हाथ फैलाती है, वो भी मन शांति चाहती है। क्या तुम उसकी झोली मन शांति से भरते हो? नहीं ना? फिर मां सप्तश्रृंगी तुम्हारी झोली मन शांति से कैसे भरेगी? तुम अपनी बेटी को सुख नहीं देते तो तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है? तोड़ दो समाज की इन रूढ़ियों को, प्रथाओं को, जो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में बाधाएं बनकर खड़ी हैं, और जोड़ दो उन दो दिलों को जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुश्मनी लेनी पड़े तो अपनी बेटी के लिए हर किसी से दुश्मनी ले लो, फिर देखो तुम्हें जो चाहिए वो मन शांति कैसे मिल जाती है। फकीर बाबा, मां, आपने मुझे बाबा के पास जाने के लिए कहा था, लेकिन आपने खुद बाबा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज मेरी मन की दुविधा समाप्त हो गई। फकीर बाबा के उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी बेटी की शादी उमाकांत से करा दूंगा। अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं। अब सिर्फ मैं अपनी बेटी का सुख और खुशियां देखूंगा। मां, इस निर्णय के बाद मेरा अशांत मन शांत हो गया है। आप इसी तरह मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। आपको बार बार मेरा प्रणाम। जय मां सप्तश्रृंगी।